और अफसोसनाक खबर शामिल करें। गुजरांवाला की जिन्ना लाइब्रेरी से में रखी गई 30,000 किताबों में से 6,000 नायाब किताबें और दीगर सामान चोरी हो गया है। लाइब्रेरी के 4 मुलाजमीन को मुअत्तल करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और अमले का कहना है कि ये चोरी पिछले कई सालों से हो रही है और आला हुकाम को भी इल्म था। मजीद तफसीला जानते हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान से। शफकत इमरान, बताइएगा, चोरी करने वालों का ये कहना है, अमले का ये कहना है कि चोरी पिछले कई सालों से हो रही है, आला हुकाम जो है वो खामोश थे। जी बिल्कुल, गुजरांवाला की सबसे बड़ी जिन्ना लाइब्रेरी में मौजूद हैं और यहाँ बताया जाता है कि इस लाइब्रेरी में इंतहाई नायाब किताबें हैं, खसूसी तौर पर इसमें 30,000 से ज़्यादा जो हैं वो किताबें मौजूद हैं। लेकिन ख़बर ये है कि इस लाइब्रेरी से 6,000 के करीब किताबें चोरी हो गई हैं। वो कैसे 6,000 किताबें चोरी हुई हैं, ये बड़ी हैरानकुन खबर है और ये एक मरतबा नहीं हुई, वक्तन फ़वक्तन ये चोरी होती रही है। और इसके अलावा यहाँ लाइब्रेरी का इंतहाई कीमती सामान भी चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। अभी सरदस ये है कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी के हेड हैं वो तो मौजूद नहीं हैं और यहाँ पर हम ये खबर सामने आने के बाद तमाम लोग जो हैं वो गायब हैं और माजी की तरह यही हो रहा है कि इंक्वायरियाँ दबाई जा रही हैं। इतनी बड़ी चोरी सामने आने के बावजूद अभी तक ना तो FIR दर्ज हुई है। मैडम, थोड़ा सा अगर हम आपसे जानना चाहें, कब से ये सिलसिला जारी था और क्या ये इंक्वायरियां होती रही हैं इस हवाले से? लोकल अखबारों का जो रिकॉर्ड है वो चोरी हुआ है, इसके अलावा किताबें चोरी हुई हैं, जो अतिया के तौर पे बुक्स आई थी यहाँ पे वो भी चोरी हो चुकी हैं, स्टाक रजिस्टर चोरी हो चुका है, इसके अलावा प्रोजेक्टर फोटोस्टेट मशीनें हैं वो चोरी हो चुकी हैं। अब देखें इसकी इंक्वायरी का क्या फैसला आता है, क्या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ये कीमती नायाब किताबें जो हैं वो जो बरामद भी की जाएंगी कि नहीं। बहुत शुक्रिया आपका शफकत, आगे बढ़